Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. So today we are going to revise the entire chapter of the trade negotiations. This is the third unit of the fourth chapter. Fourth chapter humne shuru kiya tha international trade, and then we moved over from the first unit to second unit, and now it's the time to revise the third unit. It's ट्रेड निगोशिएशन. ट्रेड निगोशिएशन के तहत में याद रखना, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि ट्रेड निगोशिएशन होता क्या है. सिर्फ ट्रेड निगोशिएशन सिर्फ एक फेस टू फेस डिस्कशन नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है. और यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज अपने इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी पार्टीज यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स लेके आती है वो इंटरेस्ट लेके आती है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. कोई चाहता है कि भैया मैं ये वाली पर्टिकुलर चीज़ आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट करूँ, कोई चाहता है कि नहीं मैं ये इम्पोर्ट नहीं होने दूंगा. सो इसके अलावा भी जो नेशनल गवर्नमेंट होती है सिर्फ वो इस जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें ट्रेड निगोशिएशन जब होते हैं जहाँ पे स्टेक होल्डर नहीं होती, और भी दूसरे ग्रुप्स यूनियंस यहाँ पे पार्टीज होती है, जैसे कि लॉबिंग ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, कोई नॉन गवर्नमेंटल और एनजीओज वगैरह होते हैं, ये सारे भी यहाँ पे पार्टी होती है. दीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एंटायर प्रोसेस. और ये जब पार्टी बनते हैं तो ये अपना अपना मुद्दा लेके आते हैं जिसको हम बोलेंगे एजेंडा ऑफ इंटरेस्ट. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टीज ऐसी हो सकती है जो कि बोलती है कि भैया ट्रेड के बैरियर कम करो ताकि हम ये गुड आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें. तो दूसरी पार्टी दूसरे साइड से ये बोलेगी कि नहीं, हम ये गुड हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, इम्पोर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इससे नुकसान पहुंचेगा. सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है. दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड निगोशिएशन. ट्रेड निगोशिएशन यानी कि दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना. इस एग्रीमेंट के तहत, ये कोई एग्रीमेंट फेस टू फेस डिस्कशन वाला नहीं है, सिर्फ इतनी चीज याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है. यहां पे इंटरेस्ट अपना ऑब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट करता है, जरूरी नहीं मैच करेगा. और ना ही कि आप ये मत समझना कि दो कंट्रीज उठ के, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट उठ के आके सिर्फ एग्रीमेंट करती है, ना, इसमें अदर ग्रुप्स भी इंक्लूडेड होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द निगोशिएशन. ट्रेड निगोशिएशन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ. बेसिक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से दो कंट्रीज के बीच में निगोशिएशन शुरू होगा. उसके बाद तीन चीजें हमने देखनी है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एंड देन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO वाला टॉपिक सबसे बड़ा होगा. रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हम आठ चीजें देखेंगे, आठ एग्रीमेंट्स देखेंगे अलग अलग तरह के. सो आठ एग्रीमेंट्स क्या है ये देखने के पहले मैं आपसे ये डिस्कशन करता हूँ कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है. RTAs WTO के अंदर में RTA का मतलब क्या होता है? एक ये रेसिप्रोकल ट्रेड होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स. दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट होता है कई सारी चीजों पे, उसको बोलते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. ध्यान देंगे, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है सर? ग्रुपिंग है किसकी? कंट्रीज की. कंट्रीज ग्रुप होती है एक जगह पे, नॉट नेसेसरीली बिलोंगिंग टू द सेम ज्योग्राफिकल रीजन. जरूरी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया भूटान या आसपास के एरिया ही हो. इंडिया सीधा जाके US के साथ में भी या जापान के साथ में भी एग्रीमेंट कर सकती है. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. उसके अलावा विच आर फॉर्म्ड, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है? Which are formed with the objective of reducing the barrier to trade between the member countries. जो भी इस agreement के तहत member होगा, दो या दो से ज्यादा countries इसमें member बन सकती है, वो एक ये agreement बनाती है जिसके अंदर rules and regulation frame किए जाएंगे, जिसके तहत हम ये decide करेंगे major objective क्या होता है, major मुद्दा क्या होता है, रिड्यूसिंग द टैरिफ बैरियर्स. कि भैया जो दोनों कंट्रीज है, तीनों चारों कंट्रीज है, उनके बीच में ट्रेड जो है वो और फ्री और लिबरल किया जाए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना रखा जाए. आगे बढ़ते हैं. रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट आठ तरह के होते हैं, ध्यान देना. सबसे पहले है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर यूनिलैटरल, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेडिंग ब्लॉक FTA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक मॉनिटरी यूनियन. सबसे पहले था बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है. दो लोगों के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके तहत दोनों कंट्रीज डिसाइड करती है कि चलो गेहूं अगर इंपोर्ट किया गया किसी के भी कंट्री पे तो उस पे हम टैरिफ का रेट 20% रखेंगे. चलो ऑरेंजेस इंपोर्ट किए गए तो उस पे हम शायद फ्री रख देंगे. दोनों कंट्रीज आपस में डिसाइड कर लेगी कि किस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना है. सो ये बेनिफिट देगा, ये पहली कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ बेनिफिट देगी और दूसरी कंट्री पहले कंट्री को कुछ बेनिफिट देगी, इस तरह से ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनता है. दूसरा होता है आपका यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट. यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत रिच कंट्री जो होती है वो पुअर कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री मैं बोलूं तो उसके बेनिफिट के लिए ही सिर्फ एग्रीमेंट बनाती है. इस एग्रीमेंट के तहत रिच कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं होता, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है. लेट्स फॉर एन एग्जांपल, अमेरिका एग्रीमेंट कर रहा है बांग्लादेश के साथ में
या इंग्लैंड एग्रीमेंट कर रहा है बांग्लादेश के साथ में, और ऐसे टाइम पे क्या बांग्लादेश छोटी कंट्री, रिच कंट्री हो गई इंग्लैंड, सो इंग्लैंड उनकी बांग्लादेश से आने वाले जितना भी माल है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 100 या 200 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, ये माल अगर एक्सपोर्ट किया गया बांग्लादेश से, इंपोर्ट किया गया इंग्लैंड में, तो हम कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे. सो इससे क्या एक बूम मिलेगा, बूम होगी क्या इकोनॉमी किसकी, बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकता है अब इंग्लैंड में और वहां से पैसा कमा सकता है विदाउट एनी टैरिफ. तो इंग्लैंड ने ये सब क्यों किया, उसकी इकोनॉमी को मदद, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट. उसके बाद आता है रीजनल प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. ये होता है जैसे बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में था, यूनिलैटरल एक कंट्री को बेनिफिट देने के लिए था. रीजनल प्रेफरेंशियल क्या होता है, रीजनल प्रेफरेंशियल में दो से ज्यादा कंट्रीज यानी 3, 4, 5 इनका एक ग्रुप बनता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन, टैरिफ के बैरियर्स क्या होंगे, कितना फ्री होगा, कितना कम किया जाएगा टैरिफ्स को. ओके, ट्रेडिंग ब्लॉक की बात करता हूँ. ट्रेडिंग ब्लॉक एक ग्रुप है कंट्रीज का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में, मतलब ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, एक तरह का यह रीजनल प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है. लेकिन इसके तहत जितने भी मेंबर कंट्रीज होगी, इन सारे मेंबर कंट्रीज में कोई भी कहीं पर भी अगर इंपोर्ट कराएगा, एक्सपोर्ट करेगा कहीं से भी, तो फ्री रहेगा, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा. सो इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ध्यान देना. बट मे अप्लाई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू नॉन मेंबर. सो अगर ये ट्रेडिंग ब्लॉक है, इसके अंदर ये सारी कंट्रीज है, ठीक है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ इंपोर्ट करवाती है तो कोई टैरिफ नहीं लगाएगी. लेकिन अगर बाहर वाली किसी कंट्री से इंपोर्ट कराया जाता है किसी भी कंट्री द्वारा इसमें ट्रेडिंग ब्लॉक में, तो मान लो लेट्स इस कंट्री से यहां इंपोर्ट हुआ और इस कंट्री से यहां इंपोर्ट हुआ, दोनों में वीट इंपोर्ट हुआ, सो दोनों 20% टैरिफ लगाएंगे. ये डिसाइड होता है ट्रेडिंग ब्लॉक में कि दूसरी कंट्री से अगर किसी ने भी वीट बुलवाया तो 20% लगाया जाएगा, दोनों कंट्रीज 20-20% चार्ज करेगी. ऐसा नहीं कि आप 20 करो और मैं कुछ भी करूंगा अपना अपना, हम मेंबर हैं तो फ्री, और बाहर वालों से अगर इंपोर्ट कराते तो कॉमन बैरियर लगेगा. उसके बाद होता है फ्री ट्रेड एरिया. अब फ्री ट्रेड एरिया भी सेम टू सेम ट्रेडिंग ब्लॉक जैसा ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है. फ्री ट्रेड एरिया में क्या हुआ सर, ये रहा, तीन मेंबर है लेट्स से नाफ्टा के, नाफ्टा लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर में कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका है. अब ये तीनों कंट्री में एक दूसरे से जो भी इंपोर्ट होगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, ये फ्री ट्रेड का आ गया. लेकिन इसके बाद अगर कोई बाहर वाली कंट्री यानी कि लेट्स से इंडिया से इंपोर्ट करता किया जाता है गेहूं अमेरिका द्वारा, और इंडिया से ही इंपोर्ट किया जाता है गेहूं मेक्सिको द्वारा मान लो या कनाडा द्वारा, तो हो सकता है अमेरिका उस पर 20% टैरिफ लगाए और कनाडा उस पर 25% टैरिफ लगाए. यानी कि दूसरी कंट्री से क्या टैरिफ चार्ज करना है यह डिसीजन लेने के लिए हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपस वाली कंट्री से फ्री में ट्रेड होगा, ध्यान देना. सो फ्री ट्रेड एरिया क्या बोलता है, एलिमिनेट करता है सारे टैरिफ बैरियर ऑन ट्रेड विद ईच अदर एंड रिटेन करता है इंडिपेंडेंस इन डिटरमाइनिंग द टैरिफ विद द नॉन मेंबर. कस्टम यूनियन की बात करते हैं, कस्टम यूनियन भी फ्री ट्रेड ब्लॉक जैसा ही है, ध्यान देना. एलिमिनेट करता है सारे टैरिफ ऑन ट्रेड अमॉन्ग देमसेल्फ बट मेंटेन करता है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, एक्सटर्नल टैरिफ यानी कि जो नॉन मेंबर को लगाया जाएगा, विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन. इस यूनियन के बाहर जितने भी कंट्रीज होगी उनको कॉमन टैरिफ लगाएंगे और मेंबर कंट्रीज को फ्री. कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट एक तरह का कस्टम यूनियन ही है. कस्टम यूनियन को और डीप किया गया है कॉमन मार्केट में. सो कॉमन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके तहत जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो फ्री में ट्रेड करेगी, ठीक है. सारे बैरियर हटा दिए जाएंगे, यहाँ पे जैसे लिखा था हमने कि एलिमिनेट करेंगे सारे बैरियर, लेकिन एक कॉमन रेट अप्लाई होगा दूसरे कंट्रीज के लिए, ठीक है, ध्यान देना. एक कॉमन रेट अप्लाई होगा दूसरी कंट्रीज के लिए. तो सर कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट में फर्क क्या है, कॉमन कस्टम यूनियन सिर्फ गुड्स की बात करता है कि गुड्स के ट्रेड में, गुड्स के ट्रेड में, लेकिन कॉमन मार्केट आपका फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर की भी बात करता है, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल. मतलब सिर्फ गुड्स का लेन देन नहीं, सर्विसेज का लेन देन नहीं, मतलब सिर्फ गुड्स का लेन देन नहीं है, कैपिटल भी ट्रांसफर होगा तो फ्री मेंबर में, लेबर भी ट्रांसफर होगा तो फ्री मेंबर में, और बाहर वालों से कॉमन रेट चार्ज करेंगे. इसके लिए एग्जांपल था एशियन या यूरोपियन यूनियन.
देन इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन. इकोनॉमिक मॉनिटरी यूनियन एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा यूनियन होता है जिसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है वो कॉमन करेंसी अपनाती है अपने देश में. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज है वो यूरो को अपनी करेंसी मानती है, अपनी करेंसी के तहत लेके, और वहाँ पे पूरा सिर्फ यूरो ही चलता है, सिवाय एक कंट्री के जो कि है यूके. यूके अपना खुद का करेंसी चलाता है, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. बाकी सारे कंट्रीज में यूरो चलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायलैटरल, यूनिलैटरल, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग ब्लॉक, एफटीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन. उसके बाद बात करते हैं द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड क्या है? ये एक तरह का एग्रीमेंट बनाया गया था. कब? 1929 की बात करता हूँ, द ग्रेट डिप्रेशन यूएस में. कई सारे कारणों की वजह से यूएस की इकॉनमी रिसेशन में चली गई थी एंड डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी, जहां पे कई सारी बैंक्स बैंकरप्ट हो चुकी थी, दिवाला निकल चुका था, लाखों लोगों का जो सेविंग अकाउंट में पैसा था पूरा रातों रात डूब गया और अब लोगों को वांधे हो गए थे जीने के. अच्छा, ऐसी बात है. तो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था 1929 का. उसके बाद 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चला. वर्ल्ड वॉर टू चला जिसकी मैंने आपको ये क्लिप बताई थी. चलो आगे बढ़ते हैं, सारी क्लिप नहीं देखेंगे, फिर जो अपने मेन वीडियो में देख लिया वही बहुत हो गया. सो ये दो एग्जांपल मैंने दिए थे कि कारण क्या था. कारण था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन और 1939 से 45 तक का वर्ल्ड वॉर टू. इन दो कारणों की वजह से अब मौका आ चुका था ये डिसाइड करना का करने का कि भैया अब सारी कंट्रीज ने मिलना पड़ेगा और इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा लिबरल बनाना पड़ेगा, मिल के काम करेंगे तो ही पॉसिबल है. अदरवाइज ऐसे एक एक कंट्रीज बीच बीच में कभी कभी रिसेशन में जा सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है. ये जो लड़ाइयां चल रही है दो कंट्रीज के बीच में, ये रोकना पड़ेगा. क्यों लड़ाइयां होती है, वर्ल्ड वॉर, ये सब चीजें क्यों होती है? कि कोई भी चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, मेरे पास पैसा आए, या मेरे पास में ज्यादा रिसोर्सेस हो, तेरी कंट्री मेरी हो जाएगी, तेरी लैंड हम छीन लेंगे एंड ऑल दैट थिंग. ये सब चीजें रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे वर्ल्ड वॉर टू में. ओके, सो ये सब चीजें रोकने के लिए, ये रोकने के लिए एक मीटिंग कही गई ब्रिटन वुड्स, करी गई ब्रिटन वुड्स में, और ये कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो की जाएगी, किया जाएगा हर कंट्री द्वारा, जो मेंबर कंट्रीज होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम फ्रेम करेंगे. सो पहला टॉपिक था ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर टू, पहला चीज जो रीजन बना था. उसके बाद में ये बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि जो उस टाइम पे टैरिफ चार्ज किए जाते थे वो आज के टैरिफ से कई गुना ज्यादा थे. जैसे आज किसी भी चीज पे अगर एक्सपोर्ट करते हो, इम्पोर्ट करते हो, तो उसमें मान लो 10% टैरिफ लगता था. उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि लोग इम्पोर्ट को रोकने के लिए 40% तक का टैरिफ या 50% तक का टैरिफ लगाते थे. सो ये बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज किया जाता था. सो इट वॉज क्लियर दैट द लेवल ऑफ टैरिफ ड्यूरिंग द डिप्रेशन वॉज मच हायर दैन वॉट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इम्पोज टूडे. अच्छा, उसके बाद में ITO की बात आई, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसकी स्थापना की बात की गई. ओरिजिनल इंटेंशन ये था कि हम एक तीसरी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उसका नाम रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे ये ब्रिटन वुड्स की इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करेगा. ब्रिटन वुड्स की पहले की दो इंस्टीट्यूशन कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये दो बड़ी इंस्टीट्यूशन है. और अब हम तीसरी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. चलो ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के लिए सब कंट्रीज का साइन करना जरूरी था, जो भी मेंबर कंट्रीज थी. ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने कर दिया था, लेकिन अमेरिका और दो कंट्रीज जो और थी उन्होंने अभी तक अपनी हाँ नहीं दी थी, और टाइम जाते जा रहा था. इसी वजह से बाकी कंट्रीज ने, 23 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक परमिशन या एग्रीमेंट, जब तक US कन्विंस नहीं हो जाती, तब तक हम इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाते एक छोटे से एग्रीमेंट के तहत. सो 1947 में एक जनरल एग्रीमेंट तैयार किया गया. जनरल एग्रीमेंट तैयार किया गया ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, कि किस तरह से ट्रेड होगा, किस तरह से टैरिफ चार्ज किए गए, उसको कहा गया GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ये एक सिर्फ टेम्प्रेरी एग्रीमेंट था, और इसके तहत जितने भी लोग इस एग्रीमेंट में जितने भी कंट्रीज ने साइन किया था उनको मेंबर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता था कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, क्योंकि ये GATT कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई बिल्डिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी. तो इसमें जो भी लोग थे, कंट्री थी, वो मेंबर नहीं बन पाए, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बने, क्योंकि सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ था. चलो ठीक है, आगे बात करते हैं.
गैट के तहत आगे ये फ्रेम किया गया है कि चलो गैट को तैयार करेंगे और गैट के तहत हम इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ को आगे बढ़ाएंगे, और जिस दिन आईटीओ क्रिएट हो जाएगा ये गैट को ख़त्म करके आईटीओ को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब यूएन में कॉन्फ्रेंस हुआ, यूएन में कॉन्फ्रेंस हुआ और आईटीओ के लिए वापस बात छिड़ी। जस्ट एक महीने बाद गैट का जब भी फॉर्म किया था 1947 अक्टूबर में गैट को फॉर्म किया था आई थिंक, उसके एक महीने बाद 21 नवंबर 1947 को हवाना में आईटीओ का बनने का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब स्थापित करना है। वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए थे, जो प्रपोजल रखा गया था, उसको कहा जाता है हवाना चार्टर, क्योंकि हवाना में हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम हो गई, ये हवाना चार्टर में यूएस कांग्रेस ने मना कर दिया। यूएस कांग्रेस बोली कि भैया हम तो इसमें साइन नहीं करेंगे। और क्योंकि यूएस उस टाइम की बहुत बड़ी और मतलब डेवलप्ड कंट्री थी, आज भी है, क्योंकि उस टाइम पे बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अगर यूएस साइन नहीं कर रही है तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेके आते, ख़त्म करते हैं कहानी। और इसी वजह से जो गैट एक साल पहले या एक महीने पहले जो शुरू किया था उसी को कंटिन्यू किया गया। सो इस तरह से गैट की स्थापना हुई और 1947 में गैट कंटिन्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद 1947 से 1995 तक 8 अलग अलग राउंड हुए। गैट कैसे काम करता था, गैट क्या करता था, क्योंकि ये एग्रीमेंट था, कोई एक जगह नहीं थी उनकी, ठीक है, कोई, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था, कोई स्थापना नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो गैट अलग अलग जगह में मिलता था, अपनी कंट्रीज को बुलाता था, मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोलूंगा, इनको बुलाता था। और वहां पर यह डिस्कशन होता था कि जो मेंबर पार्टीज है, मेंबर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, इनमें ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए। जैसे कि दो कंट्रीज है, मान लो इंडिया और श्रीलंका, उस टाइम के 23 कंट्रीज कौन थी ये मैं नहीं जानता अभी, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं, अपन को जानना भी नहीं। सो लेट्स से दो कंट्रीज थी, इंडिया और श्रीलंका। सो इन दोनों ने क्या डिसाइड करते थे कि इंडिया डिसाइड करता था, चल ठीक है, श्रीलंका से ये माल आता है, इस पर रोक लगी हुई है, चार आइटम ये मैं हटा देता हूँ, इस पर रोक नहीं लगेगी, चार आइटम पे ट्रेड बहुत ज्यादा, टैरिफ बहुत ज्यादा, ये कम कर देता हूँ। इस तरह से हर कंट्री, हर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी धीरे धीरे करके अपने टैरिफ के बैरियर्स हटाते जा रही थी और टैरिफ के रेट कम कर जा रही थी, इससे ट्रेड आसान होता जा रहा था। 8 अलग अलग राउंड चले, मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट, सबसे पहले राउंड चला था जेनेवा में 1947, सेकंड राउंड 1949। आप देखेंगे पहला राउंड 7 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 11 महीने, 37 महीने, 74 महीने और 87 महीने। इतने टाइम तक ये राउंड चला। लास्ट राउंड था उरुग्वे का। स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था 23 कंट्रीज ने और लास्ट राउंड तक हो गए थे 123 कंट्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो 8 राउंड हुए, बट 19 कौन सी बात है, 1986 की बात है, 1986 की बात है, और चीज़ें अब सही नहीं चल रही थी। 1947 से 1986 तकरीबन 40 साल बीत चुके थे, लेकिन अब चीज़ें सही नहीं चल रही थी। गैट बहुत पुराना हो चुका था और इकोनॉमी, ट्रेड करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका हर कंट्री का बदल चुका था। अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ चुकी थी कि गैट उसको कवर अप नहीं कर पा रहा था और गैट सफिशियंट नहीं था। इतने रूल्स एंड रेगुलेशन गैट में थे ही नहीं कि वो जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको सेटल कर सके। तो क्या हुआ, लास्ट राउंड डिसाइड हुआ, लास्ट राउंड जो हुआ 8th राउंड, उरुग्वे राउंड, उसमें डिसाइड किया गया कि चलो अब सिस्टम बदलना पड़ेगा, गैट हो गया पुराना, अब अपन को कुछ नई चीज लानी पड़ेगी। सो गैट को खत्म किया गया और वहां पे एक नया एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बोलते हैं मरकेश एग्रीमेंट, क्योंकि ये मरकेश में हुआ था, मरकेश मोरक्को में। सो मरकेश एग्रीमेंट लाया गया और इसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर है एज ऑफ दिसंबर 2017। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ 12 चीजें मैंने आपको बता दी। सो गैट क्यों अपना रिलेवेंस खो चुका था 1986 से जो 1995 तक मीटिंग चली थी वहां पे उरुग्वे में। सो गैट क्यों अपनी जो रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, खो चुका था, इसका मैं आपको रीजन देता हूं। सबसे पहला रीजन, गैट वॉज लिमिटेड टू टैरिफ बैरियर। जब गैट आया था सिर्फ उसमें टैरिफ की बातें होती थी। हमने सीखा था कि दो तरह के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर का तो कुछ था ही नहीं, और 1995 आया तब तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नॉन टैरिफ बैरियर का यूज करना शुरू कर दिया था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट रोकने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स यूज कर रही थी, जिसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन गैट में फ्रेम ही नहीं थे, तो वहां पे गैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और इंपोर्ट वहीं रुके जा रहा था। दूसरा, गैट में सिर्फ गुड्स की बातें कही गई थी, लेकिन 1995 तक ऐसी सिचुएशन आ गई कि सर्विसेज भी एक मेजर रोल प्ले करने लग गया। सर्विसेज और ये आपका क्या बोलोगे उसको आप, एग्रीकल्चरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सर्विसेज का कवरेज ही नहीं था गैट के अंदर में। अब सर्विसेज के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फ्रेम करेगा, उसके बारे में हमको कौन बताएगा, गैट में ये सब चीज़ें नहीं थी। ओके, एग्रीकल्चर इतना बड़ा एरिया, टेक्सटाइल इतना बड़ा एरिया गैट में कवर्ड नहीं था।
सो गैट में क्या कवर नहीं था? नॉन टैरिफ बैरियर, सर्विसेस, उसके बाद एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये तीनों चीजें कवर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, इनएडिक्वेसीज थी गैट के अंदर में। गैट यार 1947 का था, 1995 आ गया, जो 40 साल में पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। सो इतने सारे डिस्प्यूट जो होते थे दो कंट्रीज के बीच में, वो गैट सॉल्व नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें उतने रूल्स एंड रेगुलेशन ही अच्छे से नहीं बने थे। और लास्ट वाला गैट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक एग्रीमेंट था जो कि सालों से चलाते आ रहे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो नहीं बन पाया। लेकिन अब मौका आ चुका था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, और वो बनाया गया और गैट को खत्म किया गया। सो अब आगे से 8 राउंड के बाद में, अब जितने भी राउंड होंगे आगे से, 9th राउंड वो WTO के तहत होंगे। ओके, सो इस तरह से हमने RTA खत्म किया और जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड खत्म किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे गैट खत्म होता है वहां पे WTO की स्थापना हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम कितनी चीजें देखेंगे सर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके अंदर में हम 6 चीजें देखेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम 5 चीजें देखेंगे। ध्यान देना, मैं आपको समरी दे देता हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ WTO 3 लेवल है अलग अलग। स्ट्रक्चर में 3 लेवल है। गाइडिंग प्रिंसिपल 13 है हमारे पास में, एग्रीमेंट 17 है। दोहा राउंड में हम 4 टॉपिक्स देखेंगे, पॉइंट बताऊंगा छोटे छोटे। इश्यूज विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 13 पॉइंट देखेंगे, जिसमें 5 पॉइंट ओवरऑल रहेंगे और 8 पॉइंट रहेंगे अपने डेवलपिंग कंट्रीज के, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको वहां से लेके जा रहा हूँ जहां से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और तब तक लेके जा रहा हूँ जब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उतार चढ़ाव हुआ है, और फाइनली जाके पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी प्रोसीजर जो है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में 5 पॉइंट क्या थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब आया तब उसमें अच्छा क्या था एज कम्पेयर टू गैट? सबसे पहली चीज, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया, जो कि गैट में नहीं था। दूसरी चीज, जो गैट की, जो WTO की जो प्रेजेंट ऑपरेशन चल रहे थे, ये मेजर ऑपरेशन का बेस क्या था? उरुग्वे राउंड, क्योंकि उरुग्वे राउंड से ही मैक्सिमम चीजें आई थी और WTO आया था। उसके बाद गैट, 2 चीजें, जो उरुग्वे राउंड था और जो पुराना गैट के कुछ प्रिंसिपल थे उसको यूज किया गया WTO में। सो कुछ चीजें पुरानी उठाई गई उरुग्वे राउंड से, जो नई नई चीजें डिसाइड हुई वो उठाया गया, और WTO के ऑपरेशन ऐसे चल रहे थे। तीसरा, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, आपका प्रोडक्शन को एक्सपांड करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल लेके आना है, और रियल इनकम बढ़ानी है। 4 चीजें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रियल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट और आपका प्रोडक्शन, ये एक्सपांड करना है, ये 4 चीजें। लेकिन इनके अलावा भी एक मेजर मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फ्लो ऑफ ट्रेड है दो कंट्रीज के बीच में, जो फ्लो हो रहा है ट्रेड का, वो फ्री हो, फेयर हो, ठीक है। सो इट शुड बी स्मूथ, फ्री, फेयर एंड प्रेडिक्टेबल, ये 4 चीजें। ये हो गया अपना 4th टॉपिक। और लास्ट टॉपिक था कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता था, पहला टॉपिक। उसके अंदर भी 5 छोटे छोटे चीजें देखेंगे, ध्यान दो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को निगोशिएट करने में मदद करता था, ये ट्रेड निगोशिएशन अमंग द मेंबर गवर्नमेंट। दूसरा, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट बनते थे उस पे नजर रखे रहता था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेशनल ट्रेड पॉलिसी जितनी भी बनती थी उसको रिव्यू किया जाता था टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर कहीं पे भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉलिसीज इशू होते थे तो उनको सॉल्व किया जाता था। और उसके बाद जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनको कोऑपरेट करने का काम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था। इसके साथ हम खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सेकंड टॉपिक शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे टॉप लेवल पे कौन है? मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद कौन है? जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल का क्या काम है? जनरल काउंसिल एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी एक्ट करता है। मतलब जब पॉलिसीज, दूसरे कंट्रीज की पॉलिसीज को हम रिव्यू करने आए हैं, इसकी बॉडी कौन है? जनरल काउंसिल। जब भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने वाली बॉडी कौन सी है? जनरल काउंसिल। इसके बाद में जो थर्ड लेवल की जितनी भी बॉडीज हैं, ये किसको रिपोर्ट करेगी? जनरल काउंसिल को। थर्ड लेवल पे कौन आते हैं सर? गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल। तीनों के लिए अलग अलग बना दिया, अब निपटाते बैठो। गुड्स काउंसिल का काम है कि गुड्स से रिलेटेड ट्रेड के एग्रीमेंट जितने भी हुए उसको लोग फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे लोग फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सब देखना। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खत्म। 5, 3, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तकरीबन 13 प्रिंसिपल है जो कि हमको देखना है, ध्यान देना। सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है कि भैया आपने ट्रेड करना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। चलो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पे लेके चलता हूँ, इतना सारा डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही जगह पे डिस्कशन करेंगे। ओके,
सो 13 प्रिंसिपल में सबसे पहला बोलता है कि भैया आपको बिना डिस्क्रिमिनेशन के ट्रेड करना है. डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि भेदभाव करना, दो कंट्रीज के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी कंट्री वीट मंगाती है मान लो US से, उस पर चार्ज करती है 20% का टैरिफ, और चाइना से मंगाती है और उस पर चार्ज करती है 50% का टैरिफ, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन. अगर आपके पास में कोई रीज़न नहीं है कि क्यों चाइना से आप 50% टैरिफ चार्ज कर रहे हो, कोई जेन्यून रीज़न नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया. डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है. दूसरा, नेशनल, अगर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, इंपोर्ट का कोई रूल बनाया है जो बेनिफिशियल है कुछ कंट्रीज को, तो इमिजिएटली वो रूल बाकी सारी कंट्रीज को अनकंडीशनली अप्लीकेबल होना चाहिए, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. देन द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल. नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया एक बार आपकी कंट्री में एप्पल इम्पोर्ट हुआ, उस पर आप लगाना है कस्टम ड्यूटी, लगाओ, ठीक है. अब उसके बाद डोमेस्टिक में जो, मतलब आपकी कंट्री में खुद तैयार किया गया एप्पल, और इस एप्पल में आपने फर्क नहीं करना है. मार्केट में आप ऐसे मत बेचो उसको बोल के कि भैया ये इंपोर्टेड एप्पल है तो ये महंगा ही बिकेगा, ये डोमेस्टिक एप्पल है तो ये ऐसे ही बिकेगा. आप अगर टैक्सेस लगाने में, ट्रीटमेंट में अलग अलग व्यवहार करोगे तो इससे ट्रेड आसान नहीं होता. आप अगर बोलोगे कि GST हम 18% लगाएंगे डोमेस्टिक सर्विसेज पे और बाहर से जितने भी सर्विसेज हो रहे उस पर GST हम 20% लगाएंगे, तो गलत हो जाएगा. सो एक बार जब अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो जाती है, गुड्स इंपोर्ट हो जाते हैं, तो दोनों को आपको सेम ट्रीट करना है. नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल. तीसरा होता है फ्रीयर ट्रेड. फ्रीयर ट्रेड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, यह है कि भैया धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट 1 ईयर 2 ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को और एनकरेज करना है. प्रेडिक्टेबिलिटी. प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जब भी मैं गुड्स बनाता हूँ, जैसे कार वाला एग्जांपल याद करो कि अगर मैं इंडिया से हूँ और मैंने अमेरिका में कार एक्सपोर्ट करनी है, मेरे को पता है कार पे ड्यूटी लग रही है मान लो 20% की अमेरिका में, सो मैं कार दूंगा 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कार यहाँ आएगी, उस पर ड्यूटी लगेगी 20% की, 12 लाख रुपए हो गया, प्रॉफिट ऐड करेंगे 3 लाख रुपए का, तो 15 लाख रुपए में कस्टमर तक कार पहुंच सकती है, और उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊंगा तो 10,000 कार बिक सकती है मेरी एक साल में, और उसके हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10,000 कार बनाने का मैंने ऑर्डर दे दिया, वहां से रॉ मटेरियल 10,000 का खरीदा जा चुका है, लेबर बुलाया जा चुका है, और प्रोसेसिंग चलती जा रही है, एक एक कार बन के बाहर आती जा रही है, और एक महीने के अंदर में US ने क्या किया, वो ड्यूटी बढ़ा के 20 का 40% कर दी. अब 40% ड्यूटी बढ़ाने की वजह से 10 लाख की कार यहां पे 14 लाख की हुई, 14 लाख में 3 लाख का प्रॉफिट ऐड किया, 17 लाख की हुई, 17 लाख की वजह से क्या हुआ, 15 लाख की कार 17 लाख में बिक रही, उसकी वजह से क्या हुआ सर, उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, उसी वजह से अब 10,000 की जगह सिर्फ शायद 7,000 गाड़ियां बिकेंगी, मैंने तो 10,000 का ऑर्डर दे दिया, यहां तो नुकसान हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या है, US प्रेडिक्टेबल नहीं है, मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा, ये कभी भी कुछ भी कर देते, उसकी वजह से मेरा तो नुकसान हो गया. अ कंट्री शुड बी स्टेबल, एन इकोनॉमी शुड बी स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल. अगर कहीं पे भी चेंज आता है तो पहले आपने बताना है, मिलके बैठो, डिस्कस करो WTO में, और उसको एक टाइम दो चेंज को. सो WTO का प्रिंसिपल ये बोलता है कि द कंट्री शुड बी स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल. उसके बाद में WTO का एक प्रिंसिपल बोलता है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन पे प्रोहिबिशन है. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ इस साल 10,000 कार ही इंपोर्ट करेंगे. आप ऐसा बोलो कि कार के इंपोर्ट पे हम 40% ड्यूटी लगाएंगे, वो ठीक है, कितनी भी कारें आने दो. अब उसके बाद आप अगर 10,000 कार का रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो सोचो क्या होगा यार, इंडिया बोलेगा मैं फटाफट फटाफट प्रोड्यूस करके बेच देता हूँ, बाद में बाकी लोग कंट्रीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी. अब आप सोचो 5 कंट्रीज हर साल स्टार्टिंग में कार बनाना शुरू कर देगी, जो पहले पहुंचा उसकी कार हो जाएगी, लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, 10,000 की कार इंपोर्ट हो गई, लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, और बाकी लोगों की जो कार एक्स्ट्रा बनाई है वो क्या करेंगे, नुकसान हो गया. इस साल इंडिया को मौका मिला, इंडिया ने फटाफट से दे दिया, किसी और को मौका मिला कल वो दे देगा, तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा. इसलिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मत रखो. ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस, बहुत ही सिंपल सी बात है. कॉम्पिटिटिवनेस रखने के लिए WTO ये बोलता है कि भैया अगर डंपिंग हो रही है आपके कंट्री में, ठीक है, चाइना से कुछ माल यहाँ पे डंप किया जा रहा है इंडिया में, क्यों, क्योंकि चाइना से सस्ते में माल यहाँ पे डंप किया जा रहा है, सस्ते में लाया जा रहा है, ये माल बेचा जा रहा है, तो आप उस पर काउंटर वेयरिंग ड्यूटी लगा सकते हो. कब लगा सकते हो, जब सामने वाले को सब्सिडी मिल रही होगी गवर्नमेंट की तरफ से, सो उधर उसको फायदा मिल रहा, इधर आप उस पर ड्यूटी लगा दो. प्रॉब्लम क्या हो गई, जो 40 रुपये में बाकी कंट्रीज का माल इंडिया में बिकता है और ये 25 रुपये में बेच रहा है, तो उसको भी आप 40 रुपये कर सकते हो कंपिटिटिव रखने के लिए. क्योंकि अगर इसने 25 रुपये में, चाइना ने 25 रुपये में अगर प्रोडक्ट बेचना शुरू किया इंडिया में, तो बाकी कंट्रीज का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकेगा, बाकी कंट्रीज का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकेगा, बाकी कंट्रीज चले जाएंगे इंडिया से, और उसके साथ में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन खराब हो जाएंगे. सो इंडिया को ज़रूरी पड़ जाता है कि 25 रुपए वाली जो चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है उस पर ड्यूटी लगाई जाए. ओके, आगे बढ़ते हैं.
तो सातवां आपका प्रिंसिपल ये बोलता है कि भैया आप टैरिफ को एज अ लेजिटिमेट मेजर यूज करोगे टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. कहीं पे भी अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आपको नुकसान हो रहा है तब जाके आप बैन लगा सकते हो. कोई भी बाहर का प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो बैन लगाओ या टैरिफ बढ़ा दो इम्पोर्ट पे, अदरवाइज उसका मिसयूज नहीं करना. ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, आप जब भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, तो आपको ट्रांसपेरेंट होना है दूसरी कंट्रीज के साथ में, दूसरी कंट्रीज को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो. उसके बाद में प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन. प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन मतलब कि जो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो WTO के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, और उसके लिए WTO क्या करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, मान लो एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज डिस्प्यूटेड, मतलब डिस्प्यूट में है, कि एग्रीमेंट डिस्प्यूट में है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज नहीं चाहते कि अभी एग्रीकल्चर वालों को, मतलब एग्रीकल्चर वाला एरिया में इतना मार्केट एक्सेस दिया जाए लोगों को. लेकिन WTO बोलता है कि भैया एग्रीकल्चर वाले एरिया में भी एक्सपांड करना हमको ज़रूरी है. सो लिबरलाइजेशन के लिए टाइम दिया गया है कि ठीक है प्रोग्रेसिव मोड में आज से 10 साल ले लो, 10 साल के अंदर में आपने लिबरलाइज करना है उस मार्केट को भी, तो धीरे 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 काम करना उस पर शुरू कर दो. एकदम से अगर बोलोगे कि भैया अभी कल से हमारे कंट्री में चाइना, जापान, US सब जगह से गेहूँ, दाल, चावल सब कुछ आएगा, तो इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान बहुत होगा. उसके बाद होता है मार्केट एक्सेस. WTO का एक और प्रिंसिपल ये बोलता है कि मार्केट एक्सेस बढ़ाओ, एरियाज अपने अपने कंट्री में जितने भी एरियाज है उसको ओपन करो, रिस्ट्रिक्शन छोड़ो, रिस्ट्रिक्शन हटाओ. स्पेशल प्रिविलेजेस टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, WTO उनके लिए भी काम करेगा जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए जा सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए, किसी भी कारणवश किसी भी इम्पोर्ट से अगर आपका क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट या हेल्थ पे कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आप बैरियर्स लगा सकते हो. देन ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव एंड वेरीफिएबल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. सो WTO के पास में एक और प्रिंसिपल है कि भैया हमने एक बॉडी बना के रखी है, ट्रेड कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, झगड़े तो होनी है, उसके बीच में आप दोनों अगर सेटल कर सको तो सेटल कर लो, नहीं तो हमारे पास में आ जाना, जो हमने डिसीजन लिया बाद में. देखो ऐसी बात है, जब हमारे पास में आ जाना WTO के पास में और हम सेटल करेंगे आपके डिस्प्यूट को, लेकिन जो हमने डिसीजन लिया फाइनल में वो दोनों पे बाइंडिंग रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. 17 अलग अलग एग्रीमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. कितने? 17. यहाँ पे कितने थे? 13. ये कितने थे? 3. ये कितने थे? 5. ये सब क्यों लिखते हो? याद रहता है इससे. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा एरिया था जो कि गैट के अंदर में छोड़ा जा चुका था, इसीलिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक अलग से एग्रीमेंट है जिसके तहत जितनी भी मेंबर कंट्रीज रहेगी ये अपने एग्रीकल्चर वाले एरिया को ओपन करेगी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. उसके बाद में एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर. सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स ऐसे मेजर होते हैं जहाँ पे आप दूसरे कंट्री से जो भी माल आ रहा है उस पर आप या तो बैन लगा सकते हो, टैरिफ बढ़ा सकते हो. क्यों? क्योंकि वो आपकी कंट्री के एनिमल लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक है. लेकिन एग्रीमेंट ये क्या बोलता है? एग्रीमेंट ये बोलता है कि भैया आप बस ये तकाजा देके कि भैया हमारी ह्यूमन लाइफ या एनवायरनमेंट हो या प्लांट हो या एनिमल हो, इनके लाइफ को घातक हानिकारक हानि हो सकती है, इसकी वजह से हम यहाँ चाइना से जितना भी माल आएगा उस पर बैन लगा देते हैं, अगर आप ये बोलते हो तो आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा. मतलब आप इस मेजर्स का, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते. उसके बाद में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में भी सेम एग्रीकल्चर वाला जैसा कॉन्सेप्ट है कि इसको भी हमको एक्सपैंड करना है. सो इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज रहेगी वो अपने टेक्सटाइल और क्लोथिंग वाले मार्केट को ओपन करेगी. फ्री में एक्सेस दो, कम टैरिफ लगाओ, बट उसको और बढ़ाओ. टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड सेम जैसे सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स है वैसे टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है. TBT क्या बोलता है अगर आपको याद होगा? सो दो तरह के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर. नॉन टैरिफ बैरियर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल. टेक्निकल में कितनी चीज़ें थी? 2. नॉन टेक्निकल में थी तकरीबन 13 आई थिंक. सो टेक्निकल में कितनी थी? 2. एक तो था सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर, एक तो था नॉन सॉरी एक तो दूसरा था टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या बोलता है कि जो भी माल आपका हमारे देश में आएगा उसका प्रोडक्ट जो है उसमें कितना, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए, फिर वो कहाँ बना, उसके बाहर की लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी टेक्निकल चीज़ें आप स्पेसिफाई कर देते हो. क्या होता है प्रॉब्लम उसकी वजह से कि दूसरे कंट्रीज में जब माल बनता है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके ही माल बनाना पड़ेगा उनको, ठीक है, तो कई बार इम्पॉसिबल बन जाता है. सो एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो है WTO ये बोलता है कि भैया देखो आप एग्रीमेंट करो और इसके तहत आपको ये करना है कि जितनी भी टेक्निकलिटीज कम कर सकते हो कम करो ताकि ट्रेड करना आसान हो. क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शन रखोगे कि पैकिंग कैसी होना, ये कैसे होना, वो कैसे होना, ये कैसे होना, उसकी वजह से ये बैरियर और बढ़ता जाएगा.
ओके, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. अगर मान लो आपकी कंट्री इंडिया में एप्पल हो, एप्पल अगर एप्पल को अगर आप बुलाते हो, मोदी जी बाहर आए, मोदी जी ने बोला यूएस में आके कि भैया आप आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो, एप्पल मान गया 1 लाख रुपए की फैक्ट्री डालने के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने जो इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके कंट्री में, ठीक है, तो आपने कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. मेरी इंडस्ट्री जो मेरी फैक्ट्री रहेगी, मेरी जगह रहेगी वो जगह, और दूसरी इंडस्ट्री जो होगी उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि ये तो बाहर वाले लोग हैं, इनमें ये रूल लगा दो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे और दूसरा आप ऐसे रूल नहीं लगाओगे, एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं लगाओगे कि कंटेंट क्या होना चाहिए, लोकल कंटेंट कितना होना चाहिए. एग्जांपल देता हूँ, मैं एप्पल के प्रोडक्ट मैकबुक बनाता हूँ, लैपटॉप बनाता हूँ, ठीक है, यूएस में बनाता आया हूँ, सक्सेसफुल रहे हैं, कहीं ज़्यादा चले. आपकी कंट्री में मैंने अपना फैक्ट्री लगाया, वहाँ लैपटॉप बनाना, और आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि जितना अभी लैपटॉप बनाओगे उसका 70% रॉ मटेरियल इंडिया में बना हुआ होना चाहिए. अबे हद हो गई भाई, अभी तक तो मैं अपना माल लगाता था, क्योंकि मेरे को क्वालिटी मेंटेन करनी है तो मैं अपना ही माल लगाऊंगा. मैं आपको वहाँ पे फैक्ट्री डाल के जॉब्स दिलवा सकता हूँ, लेकिन अपने प्रोडक्ट में इंडिया का माल नहीं लगाऊंगा या चाइना का माल नहीं लगाऊंगा. तो अगर आप ऐसी रिक्वायरमेंट डालोगे लोकल कॉन्टेंट वाली कि 70% माल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा. सो ये एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड होता है कि भैया ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं डालोगे. कहाँ हैं हम? अच्छा, बहुत आगे आ गए, पीछे आ गए थे. ओके, ये हो गया. उसके बाद एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, बहुत ही सिंपल. एंटी डंपिंग एग्रीमेंट का गलत इस्तेमाल हमने नहीं करना है, ध्यान देना. एंटी डंपिंग एग्रीमेंट सीक्स टू टाइटन एंड कोडिफाई डिसिप्लिन फॉर कैलकुलेटिंग डंपिंग मार्जिन एंड कंडक्टिंग डंपिंग इन्वेस्टिगेशन. चाइना से माल आया यहाँ पे और आपने उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी. अब ऐसा थोड़ी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई तो कितनी लगाई, ये भी आपको ये करना पड़ेगा. मतलब बेसिस होना चाहिए कुछ तो उसका. ऐसे नहीं आपने उठा के एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, उसके बाद में WTO वाले आएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सही में डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए थी क्या. तो ये एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर में डिसाइड होता है कि भैया बेवजह आप एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाओगे, लगाओगे आपको इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो आपको उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा. उसके बाद होता है कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट. कई बार क्या होता है कि इनवॉइस की वैल्यू बहुत कम होती है, साइकिल भेजी चाइना से इंडिया में और उसकी इनवॉइस की वैल्यू निकली 50 रुपये. अब आपको भी पता है, साइकिल देख के पता चल जाता है कि 50 रुपये की तो साइकिल होने वाली नहीं है, क्योंकि कस्टम का टैरिफ रेट है 20%. 10,000 की साइकिल बताते तो 20% कितना होता है, 2,000 रुपये. 50 रुपये की साइकिल बताए तो 20% टैरिफ कितना होता है, 10 रुपये. क्योंकि टैरिफ कम करना था इसलिए इनवॉइस वैल्यू कम कर दी. अब ऐसे टाइम पर क्या होता है कि कस्टम वैल्यूएशन होता है, कस्टम वैल्यूएशन होता है जो फेयर वैल्यू होता है. लेकिन कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई जस्ट बिकॉज कस्टम का टैरिफ आपको ज़्यादा कलेक्ट करना है तो आप उस साइकिल को 50,000 की साइकिल नहीं बता सकते. 50,000 की साइकिल आप बता दोगे, बोले हमने वैल्यूएशन किया इस साइकिल का, 50,000 रुपये साइकिल की वैल्यू बनती है और उसके हिसाब से 20% आप 10,000 रुपये कस्टम ड्यूटी ले लो, गलत हो जाएगा. सो कस्टम वैल्यूएशन भी जो कर रहे हो वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, वो कुछ बेसिस पे होना चाहिए कि ऐसी सिमिलर साइकिल हमारे यहाँ पे बिकती है, देखो 40,000 की, तब 40,000 लगाओ. ओके, उसके बाद में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में क्या होता है एग्रीमेंट में कि WTO बोलता है देखो एक काम करो भाई साहब, चाइना से माल इंडिया में आ रहा है, इंडिया में कस्टम डिपार्टमेंट आपो, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंपनी रहेगी जो कि चाइना में जाके बैठेगी पोर्ट पे. अब जितना भी माल इंडिया से चाइना आने वाला रहेगा तो पोर्ट पे ही जो वो दूसरी कंपनी है इंडिया के बिहाफ में जो यहाँ पे बैठी है वो चेक कर लेगी. प्री शिपमेंट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं उसको, या इंस्पेक्शन बोलो. सो प्री शिपमेंट, शिपमेंट के पहले ही देख लेगी कि जितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो फुलफिल हो रही है कि उस शिपमेंट के थ्रू. अगर हो रही है तो ही शिपिंग कराओ वहाँ से. क्या है ना, इससे चीज़ें आसान हो जाती है. आपने मान लो शिपिंग करा ली, चाइना से माल इंडिया में आ गया, इंडिया में कस्टम में आने के बाद में बोलते हो कि अरे इसमें तो ये खराबी है, वापस भेजो. अरे नुकसान होता है ना, इतना आने जाने का बेमतलब में नुकसान होता है, आप वहीं पर पोर्ट पर रोक लेते. तो इससे अच्छा ये है कि आप एक काम करो, यहाँ से अपना एक बंदा उठा के वहाँ पर भेजो. दिस इज कॉल्ड एज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए भी अलग अलग एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट में एग्रीमेंट के तहत लिखा जाएगा कि भैया देखो ऐसा है कि घुमा फिरा के जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, चाइना से टीवी लाने पे 20% ड्यूटी लगती है, अमेरिका से टीवी लाने पे 10% ड्यूटी लगती है, तो चाइना क्या करेगा, पहले अमेरिका भेजेगा, अमेरिका से फिर इंडिया भेजेगा, तो अमेरिका से तो माल आया 10% लगनी चाहिए, गलत. ये टीवी कहाँ बनाई गई वो देखी जाएगी. सो इस एग्रीमेंट में इसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे. उसके बाद आता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर एग्रीमेंट. ये बोलता है WTO ये बोलता है कि देखो भाई साहब, बहुत सारे गुड्स आपके देश में ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए लाइसेंस पहले लेना ज़रूरी है. अगर लाइसेंस लेना ज़रूरी है तो आपको एग्रीमेंट के तहत, आप एग्रीमेंट में आओ साइन करो और एग्रीमेंट के तहत आप ये प्रॉमिस कर रहे हो हमको कि भैया आपने जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है उसको कम से कम करोगे. जितनी ज़्यादा प्रोसीजर और टाइम टेकिंग होगा, करप्शन होगा, उतना ज़्यादा ट्रेड जो है उसमें बैरियर आएंगे, ट्रेड जो है वो हैम्पर होगा.
सो लाइसेंसिंग प्रोसीजर कम करनी है. द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मे नॉट एक्ट एज अ ट्रेड बैरियर. उसके बाद सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स. जो भी सब्सिडी लगाई जा रही है, जैसे कि एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, इंपोर्ट करने पे सीवीडी लगाएगी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो ये सब जो लगाया जा रहा है इनका कुछ बेसिस होना चाहिए, कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए. तो एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसके तहत हम बताएंगे कि सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी के टाइप कितने होते हैं, कि सीवीडी कितनी होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाएगी और उसके हिसाब से सारे मेंबर कंट्रीज को ये फॉलो करना पड़ेगा. सो रेंज हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लगाया जा रहा है. उसके बाद में सेफगार्ड की बात आती है. सेफगार्ड कब करते हो? जब भी आपकी कंट्री में नुकसान होने वाला होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, किसी वर्ष हमने जो 1,00,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता था, मान लो गेहूं का, वो इस साल 1,50,000 मेट्रिक टन हो गया, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया. तो इस साल गवर्नमेंट क्या करेगी, इम्पोर्ट पर बैन लगा देगी, क्योंकि अगर बाहर वालों का भी माल हमने अलाउ कर दिया तो इससे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो फार्मर्स है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनको नुकसान होगा, उनका माल नहीं बिकेगा. सो आप बाहर वालों से इंपोर्ट ही मत करो, सबसे पहले अपना डोमेस्टिक माल बिकने दो इंडिया में. तो ऐसे टाइम ये होता है सेफगार्ड मेजर. एग्रीमेंट ये बोलता है कि आप गलत तरीके से सेफगार्ड मेजर्स यूज नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं बोलना कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खतरे में इसलिए हमने बैन लगा दिया इस साल में. अरे भाई साहब, सामने वाला इंसान हर साल प्रोडक्शन करता है, उसकी कंपनी चलती है दो जगह पे, एक तो डोमेस्टिक मार्केट में चाइना के, चाइना में वो बेच रहा है, वो अलग बात, फिर 10 साल से जो एक्सपोर्ट करता आया इंडिया में वो तो अगले साल का प्रोडक्शन इसी साल शुरू कर सकता है ना. कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत पहले शुरू करने पड़ते हैं. तो ऐसे टाइम पे आप ऐसे मत खेलना कि भैया सेफगार्ड मेजर की वजह से हमने बैन लगा दिया. जेन्यून है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप बेवजह के रीज़न देके नहीं कर सकते. उसके बाद होता है ट्रेड्स एंड सर्विसेज. सर्विसेज में भी जैसे एग्रीकल्चर था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, सर्विसेज भी उसी तरह से है कि सर्विसेज का भी मार्केट एक्सेस हमने बढ़ाना है. इट्स अ जनरल एग्रीमेंट कि सर्विसेज जिस तरह से हमने सालों से ट्रेड गुड्स के ट्रेड में बैरियर्स कम किए, टैरिफ कम किए, अब वैसे ही हम सर्विसेज में करेंगे. उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी सेम चीज़ सर्विसेज कि हर कंट्री ने अपने सिस्टम में, अपने अपने देश में दूसरे कंट्रीज़ के जो ट्रेडमार्क, लोगो को और कॉपीराइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है अपनी कंट्री में. जैसे कि एप्पल है, अगर एप्पल अपना लैपटॉप इंडिया में बेच रही है तो भैया ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं होनी चाहिए आपके देश में जो एप्पल का लोगो यूज़ कर रही हो, एप्पल का डिज़ाइन यूज़ कर रही हो, क्योंकि वो कॉपीराइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ट्रेडमार्क है. ये सब चीज़ें आपकी कंट्री में भी अलाउ नहीं करना चाहिए. देख लो आज की डेट में, अरे ठीक है समझ में आता, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में मैं अपना टाटा स्टील का लोगो यूज़ नहीं कर सकता, रिलायंस का नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाइनीज कोई कंपनी का लोगो यूज करने में कौन मना कर रहा है मेरे को यहाँ पे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम घिरे हुए, हमारा देश भी, क्योंकि हम मेंबर है, और उसके तहत दूसरे कंट्रीज के भी जो कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको भी हमको इंडिया में प्रोटेक्शन देना पड़ेगा. उसके बाद कभी भी डिस्प्यूट अगर होता है तो फिर रूल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रेम की गई है उसमें एग्रीमेंट में, तो अब वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स सबको फॉलो करनी पड़ेगी. उसके बाद पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. एक और एग्रीमेंट ऐसा है जिसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम हर कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू करेंगे, जिसमें पता लगाएंगे कि कुछ गलत तो नहीं अपना रही है कंट्रीज़. 4 कंट्रीज़ ने गलत रास्ता अपनाया इंपोर्ट को रोकने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो ये इसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू. ओके आगे बढ़ते हैं. दिस इज प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट. उसके तहत में दो चीज़ें डिसाइड हुई थी कि सिविल एयरक्राफ्ट का एग्रीमेंट था और उसके बाद में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का एक एग्रीमेंट था. ओके सिविल एयरक्राफ्ट का एग्रीमेंट जो है वो अभी तक कुछ उस पर बात बनी नहीं है, और वो जो टोक्यो में चलता आ रहा था वही चलता आ रहा है. और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में मतलब आपके देश की गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योर करेगी उसमें आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये फॉरेन का गुड्स है हमने खरीदेंगे, लोकल गुड्स ही हम खरीदेंगे. सो देर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, देर शुड बी नेशनल ट्रीटमेंट अप्रोच फॉलोड. सबसे पहले जो दो थे कहाँ गया नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और उसके बाद में नेशनल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, मतलब अपने गुड्स और बाहर के गुड्स को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. सो दिस इज प्लूरीलैटरल. आखिरी में हमने ये डिस्कशन किया था कि जितने भी एग्रीमेंट मेंशन किए गए हैं ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ये बदलेंगे आने वाले टाइम में. टाइम टू टाइम नए एग्रीमेंट्स लिए जाते हैं, नए निगोशिएशन किए जाते हैं और बदलाव किए जाते हैं. रिसेंट में दोहा राउंड चल रहा है नवंबर 2001 से और वो अभी तक चलता यार, आज तक खत्म नहीं हुआ. एक 5 चीज़ें, 3 चीज़ें, 13 चीज़ें, 17 चीज़ें और उसके बाद दोहा राउंड के 4 चीज़ें ध्यान रखना. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोहा राउंड. सबसे पहले ये 9th राउंड था WTO का, 8th राउंड उरुग्वे में था जहाँ पे गैट खत्म हुआ था. नेक्स्ट राउंड नवंबर 2001 में शुरू हुआ, मान लो आई थिंक नवंबर 2001 है, हाँ
कहाँ शुरू हुआ? नाइन्थ राउंड शुरू हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट स्टार्टेड एट मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस इन दोहा कतार, कतार में दोहा में नवंबर 2001 में शुरू हुआ। उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव वही था कि ट्रेड के बैरियर्स कम किए जाए और ट्रेड के रूल्स को रिवाइज किया जाए। पहले के 8 राउंड में भी यही डिस्कशन होता कि धीरे 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 टैरिफ के रेट कम किए जाते थे, टैरिफ के ट्रेड के बैरियर्स जो है वो हटाए जाते थे। अभी भी वही चीज़ हुई। तीसरा, तकरीबन 20 एरियाज पे फोकस किया गया इस राउंड में। दोहा राउंड इंपॉर्टेंट क्यों था? 20 एरियाज पे फोकस किया गया। और इस पे इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसमें पहली बार डिटेल में डिस्कशन शुरू हुआ एग्रीकल्चर पे, सर्विस पे और मार्केट एक्सेस टू नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए। उसके बाद चौथा टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल क्या है? द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन द दोहा राउंड इज द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ट्रेड पे बहुत सारे कंट्रीज अभी भी झगड़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक शुरू होता है व्हाट आर द इश्यूज विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमको दिक्कत क्या है, क्यों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। 5 प्रॉब्लम याद रखना, ठीक है? सबसे पहले 5 और उसके बाद 8 बताऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जितनी भी चीज़ें निगोशिएशन होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत में, इनकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आपने देखा नहीं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था यार कितने राउंड होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। जो पहला राउंड हुआ था वो 7 महीने में खत्म हुआ था, 8वां राउंड जो हुआ था वो 87 मंथ लग गए थे। 80 महीने का डिफरेंस किसको बोलते हैं? और ये जो 9th राउंड चल रहा है दोहा राउंड, 18 साल हो चुके हैं, क्या होना है 17 साल। सो सबसे पहला पॉइंट है कि जो प्रोग्रेस है ये बहुत स्लो है। दूसरा पॉइंट है कि जो रीजनल एग्रीमेंट बन रहे हैं ना, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बायलैटरल एग्रीमेंट, यूनिलैटरल एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर कोई बनाता है अपना कस्टम यूनियन, कोई बनाता है कॉमन मार्केट, ये सब जो बने जा रहे हैं ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में अनसर्टनटी फैल रही है, मर्किनेस फैल रहा है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि ठीक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो गैट था, इन्होंने ओवर द टाइम जो इतने साल हो चुके हैं, इतने साल बीत चुके हैं, उस पूरे पीरियड में गुड्स के बैरियर्स को कम करने में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन अभी भी सर्विसेज एक ऐसा एरिया है, एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है, टेक्सटाइल एक ऐसा एरिया है जो कि अभी भी जिसमें कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम है दोहा राउंड। दोहा राउंड का सक्सेस फुली कंप्लीट होना आज तक डाउटफुल है। 17 साल हो चुके हैं। और लास्ट वाला है कि डेवलपिंग कंट्रीज डिससेटिस्फाइड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों? क्योंकि 8th राउंड में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, 8th राउंड में बहुत सारे प्रोमिसज किए गए थे डेवलपिंग WTO के तहत डेवलपिंग कंट्रीज को, कि और वो सारे प्रोमिसेस आज तक फुलफिल नहीं हुए। मैक्सिमम जो प्रोमिसेस है वो फुलफिल नहीं हुए, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज भी डिससेटिस्फाइड है। डेवलपिंग कंट्रीज डिटेल में आठ रीजन बताती है डिटेल में कि क्यों वो नाखुश है। सबसे पहला 3 की एरियाज डेवलपिंग कंट्रीज का बोलना ये है कि जो एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है और सर्विसेस है, इनमें तो कहीं पे भी ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं पे भी अचीवमेंट नहीं है, कहीं पे भी डिस्कशन नहीं हो रहा, कहीं पे भी डिटेल में ट्रेड नहीं हो रहा हमको प्रोवाइड कर रहे। तो हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाने दे रहे हो, हम आपको ट्रेड बैरियर क्यों बना के रखा है अभी तक। दूसरा प्रोटेक्शनिज्म, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है आज भी प्रोटेक्शनिज्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करती है। वो चाहती ही नहीं है कि जो उनके कंट्री का मार्केट है वो उसका एक्सेस हमको मिले, कुछ हद तक एक्सेस हमको मिले। हमारे कंट्रीज में आप मार्केट एक्सेस ले लो, तुम्हारी कंट्री में मार्केट एक्सेस ना मिले। तीसरा था दोहा एजेंडा आज तक खत्म नहीं हुआ। अब उसमें प्रॉब्लम ये जा रही है कि भैया नंबर ऑफ इश्यूज रेज किए गए थे जो कि आज तक उसको सॉल्व नहीं किया गया। नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको अगर याद होगा तो मैंने कहीं कुछ इस तरह से बनाया था ये। सो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है, ये रिच पार्ट है, ये पुअर पार्ट कहलाया जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड को दो हिस्से कर दिए, नॉर्थ पार्ट अलग साउथ पार्ट अलग। और ये अपेरेंट होता था जब भी WTO की कोई मीटिंग होती थी तब उसमें अपेरेंट होता था कि ये नॉर्थ और साउथ डिवाइड वाला गेम खेला जा रहा है। मतलब नॉर्थ वाली कंट्रीज जो रिच कंट्रीज होती थी वो अपने साथ में एग्रीमेंट बना लेती है और इधर हमको छोड़ देती है, वो चाहती नहीं हमारे साथ में ज़्यादा मिले और हमारे लिए भी ट्रेड को आसान बनाए। डेवलपिंग कंट्रीज का बोलना यह है कि कई सारे गुड्स ऐसे हैं जैसे कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, या टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, या फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड, इन पे आज भी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में सो डेवलप्ड कंट्रीज आज भी उस पे ज़्यादा टैरिफ लगाती है। टैरिफ एस्केलेशन डेवलपिंग कंट्रीज का एक प्रॉब्लम था, उन्होंने इशू रेज किया कि जब भी हम रॉ मटेरियल भेजते हैं, मान लो कार है, तो कार में जितना भी हमने रॉ मटेरियल भेजा तो डेवलप्ड कंट्रीज उस पर कम टैरिफ लगाती है, लेकिन जब भी हम पूरी कार बना के बेचते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज उस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम कभी फिनिश गुड्स वाली कंट्री बन ही नहीं पाए क्योंकि हमारा माल बिकता ही नहीं ज्यादा टैरिफ की वजह से, रॉ मटेरियल वाली कंट्री बन के रह गए।
इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस, इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस. बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था कि प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट के तहत डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला था पुअर कंट्रीज को कि हम आपके यहाँ से आने वाले माल पे लेट से 15% टैरिफ लगाएंगे. ठीक है, जिस जमाने में 30-30%, 40% टैरिफ लगाया जाता था दूसरी कंट्रीज से. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने ज्यादा राउंड हुए, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, नौ नौ राउंड हो गए. नौ राउंड में क्या डिस्कशन चलता था डब्ल्यूटीओ के और गैट के, टैरिफ कम करो, टैरिफ बैरियर हटाओ. अब ये 50 का 40, 30, 20, 18 कर दिया. अब बाकी सारी कंट्रीज से कितना हुए, 18, और डेवलपिंग कंट्रीज से कितना लग रहा, 15. तो ये जो नॉर्मल रेट है और प्रेफरेंशियल रेट है, इसमें तो ज्यादा डिफरेंस रहा ही नहीं. तो काय का प्रेफरेंस मिल रहा है हम, अब हमको नहीं मिल रहा कोई भी प्रेफरेंस. उसके बाद लीस्ट डेवलप्ड कंट्री सबसे ज्यादा नाखुश है. क्यों? क्योंकि भैया इनके पास ना, इनके पास उतना पावर ही नहीं, पावर मतलब ह्यूमन नहीं है, कैपिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. तो ये तो कोई भी हाल में ग्रो कर ही नहीं पा रही है, आज भी इनके हाल यही है. तो क्या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने कर लिया अभी तक? सो दीज आर द 8 कंसर्न्स बाय द डेवलपिंग कंट्रीज. सो इसके साथ हम ये भी ख़त्म करते हैं. इंट्रोडक्शंस में 5 चीज़ें, स्ट्रक्चर में 3, गाइडिंग प्रिंसिपल में 13, एग्रीमेंट 17, दोहा राउंड में 4 पॉइंट लिए थे और इसमें आपने 5 और 8 करके 13 टॉपिक्स आपने डिस्कस किए. सो विद दिस वी एंड आर चैप्टर ऑफ द ट्रेड निगोशिएशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. A new chapter. This is going to be the 4th unit, and we are going to surely enjoy it. It is dependent on, like, basically, it is related to the exchange rate. Bye bye.